हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मछली झाल, मछली मसाला या मछली झोर कह सकते हैं इसे। इसके लिए कोई भी मछली ले ले। मछली को धोकर अच्छे से साफ कर ले और उसमें दो बूंद या आधी छोटी चम्मच नींबू निचोड़ लें। आधी छोटी चम्मच नमक डाल लें और अच्छे तरीके से इसे मिला लें। कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें सरसों ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो जाए तो मछली को फ्राई करेंगे। मसालों में एक बड़ा लहसुन, दो बड़े चम्मच सरसों, एक चम्मच जीरा और आधी चम्मच गोलकी, तीन चार मिर्चा स्वाद अनुसार, इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी डालकर मिलाएंगे और फ्राई करेंगे। ये देखिए मछली फ्राई हो चुका है। मछली को धोते समय अगर अच्छे से रगड़ के साफ करेंगे और किसी हार्ड चीज में उसे रगड़ लेंगे तो तलते समय तेल का छींटा बाहर नहीं आएगा। फ्राई होते हुए ऑयल थोड़ा कम हो गया है, इसलिए उसमें आधी छोटी चम्मच और डाल रहे हैं। एक प्याज को क्रश कर लिए हैं और इसमें डालेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, अब इसमें मसाला को डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक टमाटर का पेस्ट बना लेंगे और उसे डालेंगे। एक कप पानी डालेंगे और इसे भूनेंगे। ये देखिए मसाला भुनाते हुए तेल ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि मसाला भुना चुका है। अब मछली डालेंगे और इसमें जितना ठीक आपको मसाला रखना है पानी डाल देंगे। एक उबाल आ जाए तो गैस बंद कर देना है और उसमें धनिया पत्ता डाल देना है। ये देखिए मछली का ग्रेवी, मसाला या मछली का झोल, आप पानी कम ज़्यादा दे सकते हैं। हमें इस प्रकार थोड़ा ठीक ही अच्छा लगता है। ये देखिए तैयार है मछली का ग्रेवी, मसाला या मछली का झोल।